गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन को साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और जो क्यूबिक इक्वेशन होती है और सिंपल जो लीनियर इक्वेशंस वो तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, लेकिन जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है वो आती है क्यूबिक इक्वेशन में। तो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक कंट्रोल सिस्टम में किया है आपका रूट लोकस वाला, उसमें आपका कि जो क्यूबिक इक्वेशन है वो आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो उसी को देखते हुए हम ये आज वीडियो बनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने दो इक्वेशंस आपके लिए हैं। ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। एंड नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है। आपको पता है किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, जितनी आपकी डिग्री होती है उसके उतने ही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी उस इक्वेशन के प्रोवाइडेड आपके होते हैं। ऊपर वाले की डिग्री कितनी है? 2 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे? आपके 2 ही होंगे। नेक्स्ट वाले की डिग्री कितनी है? 3 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 3 होंगे। अब बात आती है कि इसे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व कैसे किया जाता है, तो वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं, देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर के जो दो मॉडल होते हैं वो भी आपके अलग अलग होते हैं। जो हमने यहाँ पे लिया है वो आपका लिया है FX99EC+, इसी तरीके से आपका FX99, FX100, FX98 ये भी आपकी क्लासिफिकेशन इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। बट जो हमने आज यहाँ पर लिया है आपके सामने वो हमने लिया है FX991ES+, ठीक है। इसके अंदर हम आज सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप इसका ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है मोड पे। किस पे जाना है आपको? मोड पे जाना है। जैसा कि आपको थोड़ा सा इसमें देखने में दिक्कत आ रही होगी, नाउ अगर अब हम बात करें, नाउ अब क्लियर है आपका, ठीक है। मोड पे जाते ही ये सब चीज़ आपको दिख रही है। फर्स्ट नंबर पे कॉम्प दिख रहा है, सेकंड पे आपका कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, थर्ड पे स्टैट आ गया आपका, फोर्थ पे बेस वैल्यू दिखा रहा है वो आपको, फिफ्थ पे आपका इक्वेशन लिखा हुआ है, सिक्स्थ पे मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो वो लिखा हुआ है, सेवन्थ पे आपका टेबल के हिसाब से जब भी आपको टेबल बनानी है तो उसमें आपको वैल्यूज डालनी पड़ेगी, एंड एट में अगर हम बात करें तो वेक्टर है। हमें यहाँ पर किस में जाना है? हमें यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन में जाना है। जहाँ आपको जाना है वो आप प्रेस कर दीजिए। हमको किस में जाना है? इक्वेशन में जाना है। इक्वेशन कौन से नंबर पे है? 5 नंबर पे है, तो आपको जस्ट क्या करना है, 5 क्या करना है आपको, जस्ट प्रेस कर देना है। तो लीजिए 5 प्रेस करते ही आपके पास ये 4 इक्वेशंस लिखी हुई आ गई। अब वो कहता है कि आप सेलेक्ट करिए कि जो आपका इक्वेशन का टाइप है वो कौन सा टाइप है। आप देखोगे जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको यहाँ दिख भी रही है, ठीक है, 2x2। तो आपको थर्ड नंबर पे जैसा कि दिख रहा है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थर्ड नंबर पे, देखिए ax2 + bx + c = 0। तो हमारी जो इक्वेशन है वो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है। a की वैल्यू इसका कॉफिशेंट है, b इसका कॉफिशेंट है, c आपका एक कांस्टेंट नंबर है। जैसा कि हमने कहा कि इस टाइप की आपकी इक्वेशन है, तो हमारी थर्ड नंबर वाली ये वाली इक्वेशन है। अब आपको जस्ट क्या करना है, जो भी सेलेक्ट करना है इस टाइप की इक्वेशन, तो मतलब हमारे थर्ड इक्वेशन हमने सेलेक्ट करनी है, तो मैंने आपका 3 प्रेस कर दिया। 3 प्रेस करते ही आपकी ये डिस्प्ले पे ये आ जाएगा, कहेगा आपको ए बी और सी की मुझे वैल्यू बताओ। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है जी, +2 लिखा हुआ है, तो +2 प्रेस कर दीजिए, उसके बाद दबा दीजिए =2। फिर वो बी पे आ गया, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 प्रेस कर दीजिए, देन =2। देन कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट भी 1 है, तो सिंपल आप क्या करिए, वहां भी 1 प्रेस करिए, एंड देन =2। बस उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार =2 दबाना है, तो पहली जो वैल्यू है हमारी, पहली जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज होंगी। पहली वैल्यू आ रही है देखो यहाँ पर -1/4 + 0.666, मतलब -1/4 कितना होता है, -0.25 होता है, उसमें आपको जस्ट ये ऐड करना है। पहली वैल्यू ये हो गई,
दोबारा इक्वल टू प्रेस करिए, दैट इज योर सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू कितनी है? -1/4, उसमें से आपको माइनस करना है 0.66143728, वो उसमें कुछ नहीं है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो मतलब अगर हम बात करें तो आपकी देखो इस तरीके से वैल्यू बन रही है, -1/4 -0.66, आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 1 तक भी ले सकते हैं, दैट इज -0.25 बन गया ये, उसमें आपको -0.661, जस्ट इनको माइनस माइनस है, आपको जस्ट ऐड करना है। ऐड अगर आप करने जाएंगे तो इन दोनों को जस्ट आप ऐड कर दीजिएगा, जो आपका आएगा वो हमारा दूसरे वाला आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास दो ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकले। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोबारा आप मॉड में जाइए, फिफ्थ नंबर ऑफ इक्वेशंस में जाना है, इक्वेशन में जाइए। अब हमारी जो इक्वेशन है वो आपकी फोर्थ नंबर वाली है। फोर्थ नंबर वाली इक्वेशन देखिएगा आप, क्यूबिक इक्वेशन है, ax³ + bx² + cx + d, जो हमारी इक्वेशन है वो भी आपकी इसी टाइप में है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन आपको सेलेक्ट करनी है तो फोर्थ नंबर सेलेक्ट कर दिया फोर्थ नंबर सेलेक्ट। अब कोफिशिएंट डालिए, पहले नंबर पे क्या है जी 4 डालिए एंड देन इक्वल टू, सेकंड नंबर पे क्या है 24 डालिए एंड देन इक्वल टू लगाइए, थर्ड नंबर पे क्या है 74 लगाइए एंड देन इक्वल टू लगाइए, लास्ट पे क्या है आपका 50 लगाइए एंड देन इक्वल टू दबाइए। सब कुछ वैल्यू डल गई, चारों के चारों वैल्यू डल गई, 4, 24, 74 एंड 50, एंड देन अब आप इक्वल टू दबा दीजिए। तो जो पहली वैल्यू है आपकी देखिएगा, या दूसरी आ गई, दो बार इक्वल टू दब चुका है वो आपका, इसलिए सेकंड जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई, -2.5509, उसके आगे चलता जा रहा है वैल्यू। थर्ड वैल्यू देखते हैं, दैट इज योर थर्ड वैल्यू, उसमें से माइनस आपको 2 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इस तरीके से जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो आपकी आ सकती हैं, जो भी आपके कॉफिशेंट्स हैं, जस्ट आपको कॉफिशेंट क्या करने हैं वहाँ पर डायल करने हैं, मतलब जो भी है आपको डिस्प्ले कर डालते वक्त आपको प्रेस करने हैं, एंड देन जैसे ABCD आ रहा है, दोबारा करते हैं हम, देखिएगा फर्स्ट वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई थी उसने, थर्ड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट वैल्यू की, ये देखिए ये रही फर्स्ट वैल्यू आपकी, फर्स्ट वैल्यू कितनी है -0.8981255। तो पहली वैल्यू ये हो गई x1, दूसरी वैल्यू आपकी ये वाली हो गई, कंफर्म है दूसरी वैल्यू। अगर आपकी इस टाइप की आ रही है तो आपकी ये कंफर्म है, ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप की आपकी ये वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट वैल्यू भी जो आपकी है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की ही जरूर रहने वाली है। तो पहले इसमें एक ही रियल वैल्यू आ रही है, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 0.8981, ठीक है, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है, इसको आप लिख भी सकते हैं 0.898। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन को साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्रेस करने हैं जो इसके कॉफिशेंट्स हैं वो, आपको सबसे पहले मॉड में जाकर इक्वेशन देखिएगा, मॉड में जाकर आपको फिफ्थ नंबर इक्वेशन दबाना है एंड देन आपको क्लासीफाई करना है कि कौन से आपके टाइप की वो वाली इक्वेशंस हैं। वहाँ जस्ट प्रेस करके आपको इसके जो कॉफिशेंट है वो जस्ट आपको प्रेस कर देने हैं, और जो भी वैल्यू होगी वो आपके जो रूट्स हैं, 2 हैं तो 2 बार इक्वल टू, 3 हैं तो 3 बार इक्वल टू, दोबारा देखना है तो आप दोबारा प्रेस कर सकते हैं उसको। तो इस टाइप की जो वैल्यूज हैं वो हम सॉल्व करना सीख चुके हैं कैलसी के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना भी हो सकता है कि ये वीडियो मैं मानता हूं कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी, तो जितना भी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।